साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 जनमत, परमत और मनमत पर चलते चलते मनुष्यात्माओं के जीवन का क्या हाल हुआ है देख रहे हैं। सदियों से हमारे बीच पूजे जाने वाली पवित्र ज्ञान निधि, जिसे श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, गीता ज्ञान की जरूरत और उसका महत्व आज के परिपेक्ष में क्या है जानना सभी चाहते हैं, जान नहीं पाते। दुविधाओं और द्वंद में फंसे मन को सही राहत है इस अद्भुत गीता ज्ञान से। ओम शांति। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युतानाम अधर्मस्य तदात्मानाम सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये श्लोक सुनते ही सबके मन में एक शंख ध्वनि सा सुनाई देने लगता है, अपनापन महसूस होता है, एक प्रतीक्षा की समाप्ति का अनुभव होता है। यूं लगता है कि हमारे लिए कोई आ गया है। यह वो ही श्रीमद् भगवद गीता के महावाक्य है जो स्वयं भगवान ने अपनी प्रतिबद्धता बताते हुए मानव मात्र के लिए ये संदेश दिया है। तो स्वयं परमात्मा क्यों अवतरित हुए थे, किसके लिए? श्रीमद् भगवद गीता जैसे ज्ञान निधि को अर्पण किया था। यूं कहे कि हम भारत वालों का सौभाग्य है कि हमारी झोली में श्रीमद् भगवद गीता की ज्ञान संपत्ति है। श्रीमद् भगवद गीता एक सर्वकालिक सत्य है, मार्गदर्शन है, सर्व समस्याओं का निदान है, संजीवनी बूटी है। बच्चे से लेके बूढ़े तक जो भी अपने मन के दुविधाओं से बाहर निकलना चाहे, उसके लिए रास्ता बहुत सरल तरीके से बताया गया है। जैसे कि नाम ही इतना ऊंचा और अर्थपूर्ण है, श्री माना श्रेष्ठ। श्रेष्ठ बनाने के लिए या श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं परमात्मा या भगवान के द्वारा दिया गया श्रीमत, जी श्रीमत है। आज दुनिया में हर कोई मनुष्य मनमत के अनुसार चलता है, मनमौजी है, मन जैसे चाहता है वैसे करने को सोचते हैं। ये नहीं सोचते कि मेरी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए चाहिए क्या है। ऐसे संदर्भ में श्रीमद् भगवद गीता एक बहुत सुंदर आईना है जो मनुष्य को ये दिखाता है कि वर्तमान समय में आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी को संवारने के लिए, संभालने के लिए और सजाने के लिए क्या चाहिए। भगवद गीता दुनिया के अनेकों भाषाओं में हजारों टिप्पणियां इसके बारे में लिखी गई है,
भाषांतरित है। इतना सरल संस्कृत भाषा में श्रीमद् भगवद गीता है जो कोई भी इस भाषा को समझ सकता है और अपना सकता है। गीता की महत्ता में बहुत सुंदर एक श्लोक है, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमह वंदे परमानंद माधवम। ये ज्ञान निधि है ऐसी जो गूंगा भी बोलना सीख लेता है गीता ज्ञान को अपनाने से। तो चलिए, इतना सरल सुंदर जीवनावश्यक विषयों को बताते हुए जो अनुग्रहित की गई है स्वयं परमात्मा से, ऐसी मधुर महावाक्यों के बारे में हम चिंतन करें। जैसे ही इसके बारे में सोचने का दिल करता है तो हमारे मन में एक प्रश्न उठता है, युद्ध के समय विषादग्रस्त अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करना भगवद गीता का उद्देश्य था, तो उससे हमें क्या फायदा, हमें क्यों जरूरी है? ज्ञान एक दिया है, ज्ञान एक प्रकाश है। जैसे कि सालों हजारों सालों पहले भी सूरज की प्रस्तुति थी, आज भी ऐसा नहीं कह सकते कि सदियों पूर्व जो सूरज उगा करता था आज उसकी क्या जरूरी है, यह तो प्रश्न ही नहीं है। आज भी उतना ही, उससे ज्यादा, क्योंकि आजकल हम ज्यादा सोलार एनर्जी को यूज कर रहे हैं तो महत्ता और बढ़ गया। इसलिए हम आप सबसे एक तो बात स्पष्ट करना चाहेंगे कि हम कोई तर्क या तत्व सिद्धांत के आधार से या उसके उपलक्ष्य में श्रीमद् भगवद गीता का ये चिंतन माला आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, परंतु हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि आम आदमी की जिंदगी में, श्री सामान्य की जिंदगी में श्रीमद् भगवद गीता की उपयुक्तता आज के परिवेश में क्या है और क्या हो सकता है, कितना जरूरी है समझना और जितना हो सके अपनाना। बहुत मुख्य बात यह है, श्रीमद् भगवद गीता के बारे में हमने जो अपने मन में सोच बना के रखे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता एक धर्म ग्रंथ है, उसका पाठ करने से या जाप करने से इतना पुण्य मिलता है, जैसे कहते हैं शतश्लोके पंडिता, 100 श्लोक बोल दो तो आप पंडित कहलाओगे, इसी तरह एक अध्याय पढ़ने से इतना पुण्य होगा, इतना दो अध्याय पढ़ने से इतना पुण्य प्राप्त होगा, ऐसे जो गीता महात्म में कहा गया है उसी अनुसार उसी को मानते हुए हम चलते आ रहे हैं। परंतु बात कुछ और है, गीता कोई कथा नहीं है या किसी की जीवन गाथा नहीं है, इट्स नॉट एन एपिक, लेकिन एक ज्ञान संपत्ति है, गीता ज्ञान सागर है, जिस ज्ञान को जितना भी मनन करते जाओ उतना उसका प्रयोजन, उपलब्धियां बढ़ती जाती है। ये गीता मनुष्य के जीवन में कटे हुए संबंधों को जोड़ना, री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स, उसके बारे में हमें समझाती है। हम आप सबसे किसी से भी पूछे कि जो भी माताएं भाई हैं उनको अपने परिवार में अपने पत्नी के, पति के या बच्चों के साथ प्यार है या मोह है, एक बार सोचना पड़ता है ना, कि सच में प्यार है या मोह है, जिसको हम प्यार समझ गए हैं। जैसे कि देखिए, अपना बच्चा मेरे रास्ते पे, मेरी कही हुई बात पे नहीं चलता है तो हम ऐसे भी बोल देते कि ऐसा बच्चा मुआ भला है ना, क्या ये प्यार है? प्यार वो चीज है जहां पर त्याग है, प्यार वो चीज है जिससे हम प्यार करते वो जहां भी रहे सुखी रहे, प्यार वो चीज है जिसमें हम मांगते कुछ नहीं है, चाहते कुछ नहीं है, बस देना ही जानते हैं और चाहते हैं। जब इस बात पर हम गहराई से सोचते हैं तो मन में ये बात तो स्पष्ट हो जाती है, जिसको हम आज प्यार कह रहे हैं अपने बाल बच्चों से, सगे संबंधियों से, पति पत्नी से या माँ बाप से, बच्चों के साथ, सच में प्यार नहीं है, मोह है, जिसके कारण मोह का रिजल्ट है दुख।
जैसे धृतराष्ट्र को भोगना पड़ा। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता वो चीज है जो मनुष्य के मन में अच्छाई और वास्तविकता, इन दोनों चीजों के बीच में जो बारीक अंतर है, सूक्ष्म अंतर है, इसको समझाता है और हमारे मन को प्यार से भर देता है, जिससे जिंदगी बहुत सुंदर और विशाल महसूस होता है, जो भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है। अयम निजः परो वेत्ति गणनाम लघु चेतसाम दार चरितानांतु वसुदैव कुटुंबकम। जी हाँ, वसुधा एक कुटुंब है, हम सब इस कुटुंब के सदस्य हैं। वसुधा एक परिवार है, यह कैसे हो सकता है, प्यार से ही तो हो सकता है। और आज मनुष्य आगे बढ़ रहा है, इतना आगे बढ़ रहा है, उसे पीछे मुड़कर देखने का व्यवधान तक नहीं है, इतना आगे बढ़ चुका है। दुनिया के दूसरे कोने में बैठे हुए व्यक्ति के साथ वो संपर्क साध सकता है, कम्युनिकेशन रख सकता है, इतने सूक्ष्म वेल डेवलप्ड इक्विपमेंट्स है उनके पास। लेकिन आदमी अपने नेबर से, सामने वाले से पता नहीं कितने सदियों बीत गए, बातें नहीं किया है, चेहरा तक देखना नहीं चाहता। तो जिंदगी ऐसे बन गए जैसे नवग्रहों के मंदिर। आप सबने देखा होगा, हर शहर में एक नवग्रह का मंदिर होता है, सूर्य, चांद, सोम, शनि, मंगल, बुध, राहु, केतु, सभी पूजे जाते वहां पर। सभी पूज्य है, सभी दाता है, सभी अपने भक्तों के कष्ट हरते हैं। लेकिन देखिए विडंबना कि एक ग्रह दूसरे का चेहरा नहीं देखता, ऐसे ही स्थापित किया हुआ मिलता है आपको। क्या ये आम आदमी की जिंदगी का कोई एक प्रतीक तो नहीं है? जी, हम ऐसे ही जी रहे हैं। अकेले में हम बहुत ऊंचे हैं, श्रेष्ठ हैं, लेकिन हम एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते। सोचिए, हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, 5 के 7 के कारण काम चलता है। अगर एक दूसरे के साथ देने के लिए उंगलियां इनकार कर दे तो जिंदगी की हालात क्या हो जाएगी? तो हमारे इस श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन माला का उद्देश्य ये है कि मनुष्य के मन में जो नफरत भर गई है, उन नफरतों को हटाए, प्यार भरे, आत्मीयता से मन को प्रफुल्लित करें, तो कैसे होगा? जैसे नभ में, आकाश में घने बादल छाए हुए हैं, छोटा बच्चा सोचता है कि आकाश, अरे आकाश कैसा हो गया? माँ समझाती है, बच्चा चिंता मत कर, जैसे ये बादल हट जाएंगे, आकाश ऐसे का वैसा, आसमान अपना निज स्वरूप में लौट आएगा। आसमान का निज स्वरूप मीठा नहीं है, घटा भी नहीं है, बस बादल छाए हुए हैं, थोड़ी कुछ घड़ियों की देरी है, बादल हट जाए। इसी तरह मनुष्य के मन में जो नफरत घर करके बैठी है, उसको हटाना है। उसके लिए गीता ज्ञान संजीवनी बूटी जैसे काम करता है। तो श्रीमद् भगवद गीता, श्री सामान्य आम आदमी अपने जिंदगी में रास्ते चलते जो भी परिस्थितियां या समस्याएं आते हैं, उन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए किस विधान को अपनाए, उस मार्ग को दर्शाता है। तो प्रश्न उठता है कि युद्ध स्थल में कहा गया था, अर्जुन को खड़े होने के लिए कहा गया था, विक्षिप्त या विषादग्रस्त अर्जुन के मन को शांत और समाधान चित्त करने के लिए कहा गया था, तो हमें क्यों जरूरी है? याद आता है महाभारत के बारे में सौत के एक लेखक का लिखा हुआ व्यक्तित्व परिचय, जिसमें लेखक लिखते हैं महाभारत के सब पात्रों के बारे में, जैसे कि दुर्योधन है, युधिष्ठिर है, कर्ण है, दुशासन है, अर्जुन है। वे लिखते हैं, दुर्योधन ऐसा एक शख्स थे जिनमें सब कुछ था, जितने युधिष्ठिर में गुण, विद्वत, बहादुरी, निपुणता जो भी थे, सब दुर्योधन में भी मौजूद था। लेकिन अंतर ये था, दुर्योधन जानते थे कि न्याय क्या है और अन्याय क्या है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है, लेकिन
अधर्म के रास्ते से धर्म के रास्ते में चल नहीं सकते थे, मतलब अधर्म के रास्ते को छोड़ नहीं सकते थे, धर्म के रास्ते को नहीं अपना सकते थे। इससे हमें ये समझ में आता है कि हर एक व्यक्तित्व जो है उसका जो विश्लेषण हम पढ़ते जाते हैं तो लास्ट में लेखक ये लिखते हैं 24 घंटे में हमारे अंदर भी कभी कभी दुर्योधन बस जाते हैं क्या, या दुर्योधन की छवि दिखाई दे देती है क्या। आगे चलकर ये भी पूछते हैं, यूं कहे कि सारा दिन दुर्योधन ही रहते, तो कहने का भाव ये है कि जैसे दुर्योधन महाभारत में एक पात्र होने के बावजूद एक ऐसा व्यक्तित्व जो सब कुछ जानते हुए चल नहीं सकता उसका प्रतीक बन जाता है, इसी तरह अर्जुन भी दुविधाग्रस्त समस्याओं से बंधा हुआ, सभी सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढने वाला एक आम आदमी का प्रतीक या प्रतिनिधि दिखाई देता है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता इस श्लोक से शुरू करते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्स्व मामकः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र जो अब कर्म क्षेत्र बन गया है, कुरुक्षेत्र कहलाता है। आज मनुष्य धर्म प्रधान नहीं कर्म प्रधान बन गया है। श्रीमद् भगवद गीता एक हृदय स्पर्शी वार्तालाप है दो जनों के बीच में। एक है भगवान जो सबके दिलों को जानते हैं बहुत सुंदर सरल तरीके से, मानव मन को महानता की ओर ले जाने के लिए मार्गदर्शन देते हैं, और दूसरे हैं अर्जुन जो पूरे विषाद में डूबे हुए थे, शोकग्रस्त थे, बिल्कुल युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे, ये कहते हुए बैठ गए थे नयोत्से गोविंदम नयोत्से गोविंदम। लेकिन पूरा संपूर्ण भगवद गीता का ज्ञान सुनने के बाद 18वें अध्याय में आप सुनेंगे अर्जुन कहते हैं, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मिगत संदेह करिष्ये वचनम तव। वाह, इस अंतर को देखते हुए आप खुद मुख विस्मित हो जाएंगे कि पहले अध्याय में जिस अर्जुन को हमने देखा था क्या वे यही है, क्योंकि अर्जुन कहते हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया, उपलब्ध हो गई, मन स्मृति स्वरूप हो गए, हम मन में जितने भी संदेह थे सारे समाप्त हो गए। कैसे? कि भगवान आपके महावाक्य सुन के, आपके ज्ञान सुनकर हम नष्ट मोही हो गए। लगता है तो जैसे कि जादू हो गया, लेकिन नहीं है। लेकिन ये एक हृदय स्पर्शी वार्तालाप का बहुत सुंदर नतीजा है। कहते हैं बातों से भूतों को भी भगा सकते हैं, है ना। लोग कहते हैं दुनिया में कोई भी एक ताला बनाता है ना, बिना चाबी का कोई ताला नहीं बनाता, अगर ताला बना है तो उसके साथ चाबी भी बनी है। इसी तरह भगवान श्रीमद् भगवद गीता के जरिए हमें ये बताते हैं कि जिंदगी के हर समस्या का समाधान है, कहाँ है, कैसे है। उसके लिए थोड़ा सा हमें अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वार्तालाप है, वार्तालाप में एक दूसरे के ऊपर विश्वास, फेथ, कहने वाले को सुनने वाले के ऊपर विश्वास नहीं है, या सुनने वाले को कहने वाले के ऊपर विश्वास नहीं है, तो बात बनती नहीं है, बिगड़ जाती है। तो गीता एक ऐसा सुंदर नमूना है कि ना चाहते हुए भी हमें अपने आप पर और कहने वाले पर विश्वास बनाने को सिखाता है, जिसके कारण से मन में कोई भी मैलापन रहता नहीं है, धुल जाता है। अर्जुन जो हम सबके प्रतिनिधि है, अर्जुन की मनोदशा जो विषादग्रस्त है, अर्जुन विषादग्रस्त मन से बहुत सारी दुविधाएं लेके बैठे हैं, क्या हमारे साथ भी ऐसे कभी होता है? एक काम कर लिए, करने के बाद हम सोचते हैं कि अगर ये नहीं करते तो अच्छा था, फिर बाद में मन में सोच चलता अगर नहीं करते तो ये हो जाता था, जो किए ना वही अच्छा है। ऐसे जो डिलेमास छोटी छोटी बातों में दिन में 10 बार हमारे मन को सताता है। इसलिए
हम इस चिंतन माला में प्रयास करेंगे कि अर्जुन का जो विषाद है, अर्जुन जो विषाद ग्रस्त मन से प्रश्न पूछते हैं या डिलेमास भगवान के सामने रखते हैं, जो विषाद योग में हमें देखने को मिलता है, हम अपने आप को भी उस जगह खड़ा करके देखेंगे कि क्या मेरे मन में भी ऐसे हो रहा है। तो हम चलेंगे अर्जुन के रास्ते, जिस रास्ते पर अर्जुन जी को भगवान ने चलाया और मंजिल तक पहुंचाया। तो बस ज़रूरत है कि हम अपने को समझें, अपने पर विश्वास रखें। हमें अर्जुन बनना पड़ेगा। हे अर्जुन, गीता में हर श्लोक में हे अर्जुन ये शब्द सुनाई देता है और बहुत अच्छा भी लगता है। तो मनोदशा जो भगवान दर्शाते हैं, उस मनोदशा की ओर बढ़ने के लिए हिम्मत की ज़रूरत है। और ज़्यादातर लोग हम ये सोचते हैं कि गीता पाठ से, गीता जाप से या गीता प्रवचन सुनने से शक्तिशाली बन जाता है। यूं कहे हम पुण्य कमा लेते हैं। ओम शांति। भगवत गीता ने विश्व भर में न जाने कितनी ही आत्माओं के जीवन को छुआ है, उन्हें प्रकाश और शक्ति से भरपूर किया है। क्या है वो रहस्य या फिर जादू कहें, जो इस गीता काव्य को अद्भुत बना देती है? क्या है ऐसा दो मित्र यानी कि श्री कृष्ण और अर्जुन के प्राचीन वार्तालाप में, जो लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी विषाद और दुविधा की स्थिति में इसके अभिभूत करने वाले नैतिक ज्ञान को पढ़ने पर बाध्य करती है? रहस्य ये है कि गीता की ताकत इसी सत्य पर आधारित है कि जितनी ये पराभौतिक तथ्यों की बात करती है, उतनी ही ये भौतिक तथ्यों की भी विवेचना करती है, कि गुह्यता बताती है वहीं लौकिक संसार के लिए भी लक्ष्य देती है, और जितनी मरणोपरांत की बात करती है उतनी ही स्वयं जीवन की भी चर्चा करती है। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे इस अनोखे सफर में।